स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो में चार लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग काफी फिट नजर आ रहे हैं। इसके साथ इनके हाथ में पिस्टल भी दिखाई दे रही है। ये कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जिन्हें आम भाषा में आप जेलर भी कह सकते हैं। इनका नाम है दीपक शर्मा और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक 8 अगस्त की रात दीपक शर्मा एक बर्थडे पार्टी मना रहे थे और इस पार्टी में उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे, जिस बीच वे काफी मंत्रमुग्ध होकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वे अपनी पिस्तौल को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उनका ये वीडियो बना लिया और ये वीडियो रात में बनाया गया। उसके बाद ये वीडियो सुबह बाहर भी आ गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। लेकिन पार्टी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में पिस्तल को लेकर प्रॉप की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि पार्टी में कई राउंड फायरिंग भी की गई। जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और ऑर्डर आया कि सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने दिल्ली के जेल विभाग का ध्यान खींचा। अब विभाग ने गहराई से समीक्षा करने के बाद वायरल वीडियो पर त्वरित कार्यवाही करने का फैसला लिया और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सहायक अधीक्षक दीपक शर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जो मंडोली के जेल नंबर 15 पर पदस्थ है। दिल्ली के जेल विभाग ने तथ्यों का पता लगाने के लिए सेंट्रल जेल नंबर 15 के अधीक्षक की अगुवाई में विस्तृत जांच शुरू कर दी है।